आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है, लेकिन हम इसे हंसी मजाक के साथ समझेंगे। एंड टू कीप द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग, आई विल कोट दिस ऑसम मूवी, बिकॉज टुडे वी आर डीप डाइविंग इनटू जेनरेशनल ट्रॉमा। बस ये पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका, करेक्ट। और फिर जो चाहा उनके साथ किया, व्हाटएवर यू वांटेड, ओके? और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो। Just like Kyra had issues with her parents की upbringing ना, वैसा ही कुछ हम सबके साथ किसी ना किसी level पे होता है। हमारे बहुत सारे emotions, most of the good and bad actually, वो सारे या तो acquired होते हैं genetically, या फिर हमारी social upbringing हमारे parents के through जो करी जाती है, उससे हमें मिलती है। इसीलिए उनका anger, उनकी anxiety, उनके fears, एक trauma और ये सब चीज़ें generation to generation pass होती हैं। And इसी से जन्म लेती है हमारी कई सारी परंपरा भी। तो जैसे हमारी फैमिली की फोटोज होती हैं, उनकी रेसिपीज होती हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वैसे ही मैंने जैसे बात करी कि ये इमोशंस हमारे तक पास किए जाते हैं। इट्स लाइक दैट वन थिंग जो तुम्हारे दादा दादी ने, नाना नानी ने एक याद के तौर पे तुम्हें दी है, बट उसमें इमोशनल डेप्थ अलग से जोड़ के दे दी। हमें लगता है यार कि जब वंश आगे कैरी करने की बात होती है ना, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो गया, उनकी इनहेरिटेंस हो गया, ये चीज़ें ही हमें मिलेंगी। बट नहीं यार, एक लेवल पे हमें उनके सारी जो हिस्ट्री रहती है, फैमिली हिस्ट्री की, कब किसकी लड़ाई हुई थी, कब किसको क्या चीज़ हुई थी, जो इमोशनल स्कार्स होते हैं ना, ये सब चीज़ें भी वो हमें पास डाउन करते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो हमें दिलाना चाहते हैं याद कि हमारे कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, हमारा जो बिहेवियर है जो फॉर्म्ड हुआ है इतनी जनरेशन से, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसीलिए जब इतने सारे इमोशंस पास डाउन होते हैं ना एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ब्रोकन। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम एक बहुत प्रिविलेज जनरेशन है। हमसे पिछली जनरेशन जब वो कहते थे ना कि वो नदियां पार करके स्कूल जाते थे, आई नो इट हैज बिकम अ मेनस्ट्रीम जोक, बट ये एक्चुअल में चीजें हो चुकी हैं। तो उनके लिए जो डिफिकल्टी का लेवल था, दैट वाज समथिंग टोटली डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए चीजें आसान हो गई, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उनका लेवल था, इट वॉज मोर अराउंड द हार्ड वर्क वाला पार्ट। हमारी जो दिक्कतें आती हैं वो उस सारे हार्डवर्क को अक्वायर करने के बाद मेंटल लेवल पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है वो यही बताती है ना, एक बार जब शेल्टर, फूड ये सब सिक्योर हो गया, तो अब हम अपने वेलबींग के बारे में भी सोच सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के सब चीज़ें पास करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड एंड इट इज़ बाउंड बाय लव, बाय ब्लड। तो उस केस में जो इफेक्शन होती है, जो उस चीज़ का इफेक्ट होता है उन वर्ड्स का, वो ज़्यादा हो जाता है। तो मेटामॉरफिकली ये एक टायर की तरह है, बस फर्क इतना है कि ये कोई फैंसी व्हीकल नहीं होती, फैंसी बाइक नहीं होती, बट एक टूटा फूटा रिक्शा होगा। और पता है इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट निकल के आता है, दैट इज़ पैट्रियार्की। क्योंकि जब हम अपने आस पास देखते हैं वुमेन के ऊपर, कितना ज़्यादा हद तक हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये चीज़ तो वुमेन कर ही नहीं सकती, लाइक देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट ओनली द मैन टू डू दैट। ऐसा नहीं कभी कभी फील होता है, स्पेशली लड़कियां इस बात से बहुत रिलेट करेंगे कि मुझे कुछ चीज़ों के लिए मना किया जाता है बट मेरे भाई को नहीं किया जाता। वेल, तुम ये सोचो कि जो तुम्हें मना कर रही है तुम्हारी माँ, उनके साथ किस लेवल तक ऑफ चीज़ें कनेक्टेड होंगी कि वो खुद को, एक वुमेन को मना करना पड़ रहा है उन्हें इस चीज़ के लिए कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकती बिकॉज यू आर अ गर्ल। क्योंकि पैट्रियार्की हमारी रूट्स के अंदर ऐसे इंक्लूडेड कर दी है कि हाँ ये तो नॉर्मलाइज्ड है, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर में ही मैन को बिहेव करना पड़ेगा और वुमेन को बिहेव करना पड़ेगा। और ये क्यों फॉर्म हुआ, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जुड़ के आता है जनरेशनल ट्रॉमा के साथ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है हमारी जनरेशन, बट उन लोगों की जनरेशन इतनी सेल्फ अवेयर नहीं थी कि इस दिमाग में भी कुछ दिक्कत हो सकती है कभी। उनके लिए सिर्फ दो ही स्टेजेस होती थी, या तो बंदा पागल है या तो बंदा काम कर रहा है और कुछ नहीं। ऐसे में तुम जब देखते हो ना कि कोई सास अपनी बहू को डांट रही है कि वो ऐसे क्यों एक्ट कर रही है, वो उसे ऐसे एक्ट करना चाहिए, तो ये जो पैट्रियार्की है ना, बजाय कि तुम सारा ब्लेम सास पे डाल दो कि सास ऐसी है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि उस सास को कैसी ट्रेनिंग मिली है, जिसको हम कहते हैं कि अक्वायर्ड सोशल बिहेवियर, कि उस सास को इस लेवल तक चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ रहा है कि उसको आगे वाली जनरेशन को अब वो ड्यूटी लेनी पड़ रही है कि मैं इनके ऊपर पैट्रियार्की दिखाऊंगी। बेसिकली अगर मुझे एक वर्ड में सम अप करना हो ना, तो वी आर अ प्रिविलेज्ड जनरेशन एंड फक्ड अप जनरेशन, बट आर पेरेंट्स आर इक्वली फक्ड अप।
तो उनकी प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगती हैं क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स। बट ये तो सब रही बात कि कैसे जनरेशनल ट्रॉमा शेप करता है चीज़ों को, कैसे वो अफेक्ट करता है हमारी थिंकिंग को। बट इसमें से सोल्यूशन क्या है यार? तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें चलना पड़ेगा डियर जिंदगी मूवी की तरफ ही। तो उस मूवी में ये सारे इंस्टेंसेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वहाँ पे कायरा की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर समवेयर एसोसिएटेड विद दिस जनरेशनल ट्रॉमा दैट हैज़ बीन पास डाउन टू हर। अब उसने उससे कैसे ओवरकम किया? सबसे पहली चीज़ थेरेपी, इसके ऊपर बाद में बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द वीडियो में। बट ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स, जो एक सटल लेवल पे हमें चीज़ें समझ आती हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, दैट हैज़ टू कम थ्रू सेल्फ इंक्वायरी। हमें अपनी सेल्फ को उस लेवल तक तोड़ के लेके जाना पड़ेगा ना, कि ऐसे समझो उसे मोतियों की माला होती है ना, तो मोतियों के माला के अगर तुम्हें ईच ईच कंपोनेंट, एक एक पर्ल को देखना है ना, तो तुम्हें माला तोड़ के ही उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसी तरह जो हम फैमिली हेयरलूम की बात करते हैं, जो हम इनहेरेंट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कैजुअल लेके चलते हैं कि हाँ यार मैं तो ऐसा ही हूँ, बट उसके पीछे की क्या रीजंस हैं, क्या अपब्रिंगिंग है, किस किस कारणों से वो शेप हुआ है, तुम्हारे जो फियर्स हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज है, वो किस किस कारणों से बनी है, जब तक तुम उस सेल्फ इंक्वायरी वाले मोड पे नहीं जाओगे ना, तो तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिखेंगे। और एक बार जब तुम्हें वो सोल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ ओके, नाउ द थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। इट इज़ जस्ट लाइक द ईस्टर एग्स इन द मार्वल मूवीज, कि तुम्हें वो ढूंढने पड़ेंगे और उसके साथ फिर रेफरेंस कनेक्ट करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल रीच व्हाट समवन टॉट यू अबाउट वेरियस थिंग्स, और तुम्हारे ऊपर उसका किस लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा है। सो एट द एंड ऑफ इट, इट कम्स बैक टू द सेल्फ अवेयरनेस पार्ट। अब रही बात वैल्यू ऑफ द वीडियो, तो उसमें मैंने बात करी थी ना थेरेपी की, सो आई वुड जस्ट पुट इट इन अ वेरी पैराफ्रेज्ड वे। जनरेशनल ट्रॉमा इज नो जोक, बट डेफिनेटली वी कैन फाइंड वेज टू ट्रीट इट इन अ हेल्थी वे। रिमेंबर, थेरेपी इज कूल, टॉकिंग हेल्प्स, एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ऑलवेज। और हमेशा याद रखना यार, जिंदगी एक जिग्सॉ पजल की तरह है, कभी कभी पीसेस फिट नहीं होते, बट पिक्चर अभी भी ब्यूटीफुल हो सकती है। बाकी जेंजी के ऊपर, सैड फिशिंग के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, तो अगर वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, तुम्हें दिख जाएगी। बाकी इज देयर समथिंग एल्स, किसी और टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो, प्लीज़ ड्रॉप इन द कॉमेंट्स। टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।